नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सर सरफराज आलम। सहरसा को भले ही नगर निगम का दर्जा मिल चुका हो, लेकिन सहरसा नरक निगम बन चुकी है और इस साथ जीता जागता तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। यह तस्वीर पहले आप देखिए, शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है और शहर के तमाम जो लोग हैं वो इस इलाके में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। सब्ज़ी मार्केट कहा जाता है, इस इलाके का नाम है सब्ज़ी मार्केट है। और उसके आगे में देखिए, अगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो यह पानी जो है 7 से 8 दिनों तक लगी रहती है और इसी पानी से लोग गुजरते हैं और ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, जिस कारण लोगों को तो परेशानी होती ही होती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ता है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सहरसा नगर निगम की हालत की ये तस्वीरें देखिए। कचरा पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं है, तो कह सकते हैं कि जो लापरवाही है प्रशासन की, नगर निगम की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, पानी लगी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है इसके बारे में? यहाँ के जनतों से ये कहना है और पदाधिकारियों से ये कहना है कि जिस तरह का ये बीमारी वाली घटना है, जिसके कारण से यहाँ तमाम दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, सभी को इस बरसाती मेढक के कारण, बरसाती होने के बाद 10 मिनट में पानी पूरी जाम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ जाने आने वाले आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियों भी इस पानी से, गंदी पानी से उत्पन्न होती है, जिसके कारण से पूरी सब्जी मंडी बदबू करती है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से परेशानी होती है यहाँ पर, लोगों को भी परेशानी होती है, स्थानीय जो दुकानदार है उनकी भी परेशानी होती है। आप दुकानदार हैं यहाँ क्या? जी जी, मेरा दुकान है बगल में। इधर से तो एक आदमी आने का मतलब नाक बंद करके आता है, पानी लगने के बाद 2-4 दिन के बाद यहाँ बदबू करना लगे, बदबू करने के बाद यहाँ दुर्गंध सा ऐसा होता है कि लग रहा है कैसा कि बीमारी फैल जाएगा। अच्छा, बीमारी फैल जाएगा। यहाँ पे कोई भी आता है नाक पे कपड़ा रख के जाता है, इधर से किसी का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या लगता है, क्या व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन की? व्यवस्था कहाँ कुछ देख रहे हैं, यहाँ पर रोज आ रहा है, इधर से सब गाड़ी जा रहा आ रहा है, कोई करने वाला है ये नहीं। यहाँ कोई करने वाला नहीं है। अगर 2-4 टेलर मट्टी भी गिरवा देगा, चाहे राबिस गिरवा देगा, तो यहाँ पे 1 नंबर रोड बन जाएगा। देखिए, सबसे व्यस्तम इलाका है और सबसे जो कह सकते हैं कि जो लोग शहर के जितने भी लोग हैं वो इस इलाके में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, सब्ज़ी खरीदना हो या फल खरीदना हो, वो इस इलाके में आते हैं। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ के प्रशासन की, क्योंकि पानी लगी हुई है? कोई व्यवस्था नहीं है, सब अपना अपना करते हैं। यहाँ से कितना गंदगी फैल गया, इससे बदबू इतना होता है कि सबको झेलना पड़ता है। हम लोग यहीं रहते हैं, सामना करना पड़ता है। देखिए, तस्वीर एक बार देख लीजिए आप, किस तरह से जो लोग पैदल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पानी है वो यहाँ पर लगी हुई है और मेन द्वार है यहाँ पर, सब्जी मंडी जाने का ये मेन गेट है। और ये तस्वीर देखिए आप, पैदल लोग इस रास्ते से नहीं जाना चाहते हैं, बगल का सहारा लोगों को लेना पड़ता है। और जो प्रशासन की लापरवाही है, जो नगर निगम की जो लापरवाही है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। किस तरह से देखिए, लोग यहाँ पर आते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। क्या कहेंगे शिक्षक, क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब स्थिति है सर, बहुत ख़राब स्थिति है। 10 मिनट पानी होती है, यहाँ 8-10 दिन का पूरा एकदम लग जाते हैं, कोई आदमी आ नहीं पाते हैं, ना जा पाते हैं। बदबू कितना कर रहा है, देखिए बदबू कितना, इससे पूरा जनता की क्या होगी, बोलता है कितना समस्या झेलना पड़ती है। देखिए बदबू इतना कर रहा है कि बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, ये सब प्रशासन नहीं देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, कोई देख रहा है? चलिए, देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। और कचरा भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कचरा भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसे उठाने वाला भी कोई नहीं है। जिस तरह से जो लापरवाही की तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो कचरा है उसे भी उठाने वाला कोई नहीं है। जो लाख दावे किए जा रहे हैं, स्वच्छ शहर बनाने का जो लाख दावे किए जा रहे हैं, वो दावे कहीं ना कहीं इस जगहों पर फैल नज़र आ रही है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर का ये शंकर चौक है और ये सब्जी मंडी जाने वाली ये सड़क है, और वो सड़क पर देखिए किस तरह से 7 से 8 दिनों से ये पानी का जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जिस कारण जो लोगों की परेशानी है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर, देख रहे हैं पानी बुरी, बहुत बुरी व्यवस्था है। अब और आप तो देख ही रहे हैं कि इस बारिश, बिना बारिश के मौसम में पानी जमा हुआ है और यहाँ पर आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन का कहीं कोई ध्यान नहीं पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर मेन शहर का मेन चौक है, मार्केट है, सब्जी मंडी शंकर चौक, यहाँ की प्रशासन के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। चलिए,
तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बार फिर तस्वीरें आप देख लीजिए, व्यवस्था की ये तस्वीरें देख लीजिए। नगर निगम है, सहरसा नगर निगम बन चुका है और नगर निगम की ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से जो लापरवाही है वो यहाँ पर देखी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की नींद कब तक खुलती है और कब जो है यह निकासी का जो प्रावधान है वो किया जाता है और कब यहाँ की समस्या दूर होती है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।